गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं ऑडियो वीडियो सिस्टम जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था चैप्टर वन का, उसी को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। दिस इज़ योर 208 कोड नंबर सब्जेक्ट। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ट्रांसड्यूसर पढ़े थे और माइक्रोफोन पढ़े थे। तो एक बार एक थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। तो ट्रांसड्यूसर मैंने क्या बताया था कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो डिवाइस उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। और माइक्रोफोन इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर जो कि कन्वर्ट करता है साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसके बाद हमने चार तरह के माइक्रोफोन्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बन माइक्रोफोन, फिर इलेक्ट्रोडायनामिक माइक्रोफोन, फिर कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन और क्रिस्टल माइक्रोफोन। इसी सीरीज़ में हम आगे पढ़ने वाले हैं लाउड स्पीकर्स। तो लाउड स्पीकर के बारे में मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने सबने देखे होंगे लाउड स्पीकर्स। इनसे आवाज़ जैसे बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो साउंड सिस्टम में इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इट इज़ अ ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाउड स्पीकर्स। द फर्स्ट वन इज़ हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये बिल्कुल लेफ्ट में एक हमारा जो है इसको बोलते हैं कंप्रेशन ड्राइवर, इस सेक्शन को। ये कंप्रेशन ड्राइवर क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया उसको कन्वर्ट करके साउंड में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर ये मैग्नेट लगी होती है और यहाँ पे एक डायफ्राम लगा है। तो यहाँ से जो साउंड वेव्स हमें आएंगी हमारी, वो किस में जाती हैं, यहाँ पे ये हॉर्न टाइप का एक्सपोनेंशियली इसको डिज़ाइन करा गया है। और इसका जो ये नैरो एंड है इसको बोलते हैं थ्रोट, और जो वाइड एंड है उसको बोलते हैं माउथ। जो ये नैरो एंड है, क्या होता है, यहाँ से साउंड सिग्नल जब हमारे ड्राइवर कंप्रेशन ड्राइवर सेक्शन से साउंड सिग्नल्स आते हैं, तो नैरो एंड के जो के अंदर आपको बहुत उस पर हाई प्रेशर होता है उन साउंड वेव्स में। रीज़न, क्योंकि वो बहुत ही नैरो है, उसमें एयर पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के। तो क्या होता है, यहाँ से जब साउंड वेव्स शुरू होती हैं निकलना, तो वो बहुत ही हाई प्रेशर साउंड वेव्स होती हैं और वो बहुत ही कम एम्पलीट्यूड की होती है, उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होता है। जैसे जैसे इसी हॉर्न के अंदर जब वो मिड में पहुँचती हैं, तो जैसे जैसे उसकी एयर पार्टिकल्स दूर होंगे उसकी शेप की वजह से, वैसे वैसे वही जो साउंड वेव्स थी हमारी उनका प्रेशर जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज होने लगता है और उनकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ने लगती है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने लगता है और उसका प्रेशर कम होता चला जाता है। जब वो माउथ तक पहुंचते हैं तो वो बहुत ही हाईली डिस्प्लेसमेंट और वेरी लो प्रेशर साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी लो प्रेशर की वजह से और हाई डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो साउंड वेव्स हमें मिलती हैं, साउंड एनर्जी जो भी हमें एट द एंड ऑडिबल मिलती है, वो बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड की मिलती है और वो बहुत लाउड होती है सुनने में, और वो करीब 10 टाइम्स लाउड होती है जो नॉर्मल जो हमारे स्पीकर्स जो हैं उनसे जो प्रोड्यूस होती है, और जो हमारे हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर के अंदर जो हमें सुनाई देती है, उन दोनों के बीच में लगभग 10 टाइम्स का फ़र्क होता है लाउडनेस का। तो जहाँ हमें बहुत ज़्यादा लाउड चाहिए, स्टेडियम में कोई आपका कुछ ऑडिटोरियम है, कोई फंक्शन हो रहा है कहीं पर भी, हम इस तरह की जगहों पर हम हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर को यूज़ करते हैं। इसको एक बार ही रीड कर लेते हैं जो मैंने लिखा है, जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए नोट्स थोड़े से। इसको मैं आपको हिंदी में एक ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ अ कंप्रेशन ड्राइवर विच प्रोड्यूस साउंड वेव्स। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कंप्रेशन ड्राइवर, ये इसका कंप्रेशन ड्राइवर है। तो ये बता रहे हैं कि ये इसके अंदर क्या है, कंप्रेशन ड्राइवर है, और क्या करेगा वो कंप्रेशन ड्राइवर, वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद इट हैज़ अ मेटल डायफ्राम, ये देखो ये रहा डायफ्राम, ये देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा है डायफ्राम। तो इसके अंदर एक डायफ्राम होता है
विच इज वाइब्रेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे ये जो दिख रही है ना आपको, ये स्क्वायर शेप में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हम उसको इलेक्ट्रिकल करंट जो भी हमारा है उसको पास कराएंगे, तो यहाँ पर ये डायफ्राम जो, जैसे भी उसकी करंट की इंटेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर मूवमेंट होगी डायफ्राम में, और इसी की वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। थ्रॉट से स्टार्ट होंगी फिर वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होना। द नैरो पार्ट ऑफ द हॉर्न नेक्स्ट टू द ड्राइवर इज कॉल्ड द थ्रॉट। जो नैरो पार्ट है यहाँ पर इसका, उसको बोलते हैं थ्रॉट। द लार्जर पार्ट फार्देस्ट अवे फ्रॉम द ड्राइवर, जो आपका ब्रॉडर पार्ट है और जो उससे दूर है, कंप्रेशन ड्राइवर से दूर है, उसको क्या बोलते हैं, माउथ। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं थ्रॉट जो पास में है ड्राइवर के। अब इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं। कंप्रेशर ड्राइवर प्रोड्यूस साउंड ऑफ लो एम्पलीट्यूड। क्या बोला, कंप्रेशर ड्राइवर क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, जो सुनाई नहीं देगा इतने अच्छे से अगर हम सुनना चाहें तो। साउंड वेव्स एट द थ्रॉट आर ऑफ हाई प्रेशर। जो साउंड वेव्स हैं थ्रॉट के, वहाँ पे जो भी साउंड वेव्स होंगी वो बहुत हाई प्रेशर में होंगी और लो डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट पढ़ो। द एक्सपोनेंशियल शेप ऑफ हॉर्न अलाउ साउंड वेव्स टू डी कंप्रेस। जो ये हॉर्न की एक्सपोनेंशियल शेप है, ये क्या अलाउ करती है कि हमारे जो साउंड वेव्स हैं, जैसे वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है तो वो डी कंप्रेस, उसका उल्टा हो जाएगा। कंप्रेस मतलब दबाना किसी चीज़ को, डी कंप्रेस मतलब उसको एनलार्ज करना, उसको बड़ा करना। तो डी कंप्रेस का मतलब वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। द एक्सपोनेंशियल शेप ऑफ हॉर्न अलाउ साउंड वेव्स टू डी कंप्रेस एंड इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगी, अनटिल दे रीच द माउथ वेयर दे आर ऑफ, जब तक वो माउथ पे ना पहुँचे, दे आर ऑफ लो प्रेशर बट लार्ज डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पर वो लो प्रेशर के होंगे और लार्ज डिस्प्लेसमेंट के होंगे। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। एज इट कन्वर्ट्स लार्ज प्रेशर एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे ये क्या कन्वर्ट करेगा, लार्ज प्रेशर हाई प्रेशर को और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट साउंड वेव्स इनटू लो प्रेशर एंड लार्ज डिस्प्लेसमेंट साउंड वेव्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एकोस्टिक ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है, जो कन्वर्ट करे, ट्रांसफॉर्म करे। जैसे नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर्स में हम क्या करते हैं, हम साउंड वेव्स, हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। यहाँ पर हम साउंड वेव्स की डिस्प्लेसमेंट को लो से हाई कर रहे हैं और प्रेशर को हाई टू लो कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, जो साउंड वेव्स के एम्पलीट्यूड को बढ़ाए उसको बोलेंगे एकोस्टिक ट्रांसफॉर्मर। इट इज वेरी एफिशियंट एंड प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 10 times मोर साउंड पावर देन कोन टाइप स्पीकर। जो नॉर्मल हमारे स्पीकर होते हैं उनसे 10 times ज़्यादा हमें साउंड प्रोड्यूस करके देते हैं। सो दे आर यूज इन पब्लिक एड्रेस सिस्टम, थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स, स्टेडियम्स। स्पेलिंग गलत है बेटा, ध्यान इसको सही कर लेना, स्टेडियम लिख दिया, स्टेडियम एटसेट्रा। तो ये हमारा था हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर। और मैं, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने क्या करा, उसकी जो एक्सपोनेंशियल शेप है हमारे हॉर्न की, उसी की वजह से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने साउंड वेव्स की डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया या फिर उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाया और उसके प्रेशर को कम करा। अगला जो सेकंड टाइप ऑफ हमारा लाउड स्पीकर है, जो नॉर्मली हर छोटी मोटी जगहों पे यूज़ होता है, दैट इज़ डायरेक्ट रेडिएटर टाइप लाउड स्पीकर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। हमने इसके अंदर देखो, साथ साथ पढ़ती जाती हूँ मैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट एंड अ मूविंग कॉयल प्लेस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायग्राम देख लेते हैं, अगले पेज पे आओ सब लोग। लाओ मैं आपको समझा दूँ इसका डायग्राम। देखो इसके अंदर ये ई शेप की मैग्नेट सबको दिखाई दे रही है, ई शेप की मैग्नेट है। उस ई शेप की मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ, साउथ नाउ नॉर्थ, ये 3 poles हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ आ रही है और यहाँ पे नीचे वाले में से भी नॉर्थ टू साउथ जा रही है। बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये वाइंडिंग रैप कर रखी है, इसको बोलते हैं वॉइस कोयल।
और ये ऐसे डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं है, ये मूवेबल है, ये मूव होगी थोड़ी सी हल्की हल्की ना, ये एक और लेयर के ऊपर रैप है, तो वो मूवेबल लेयर है जो हमारी, जिसके ऊपर इसको रैप करा गया है, ये डायरेक्ट मैग्नेट के ऊपर रैप नहीं है। तो होता ये है कि जब इलेक्ट्रिकल, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, तो यहाँ पे हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, वॉइस कॉइल। जब भी हम वॉइस कॉइल को, हमने यहाँ पे वॉइस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड, ये दिख रहा है नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे भी नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। जब भी हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे मैग्नेट के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो इस कंडक्टर के अंदर फोर्स एग्जर्ट होगी, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से ये टू एंड फ्रॉम मूवमेंट होगी, और ये टू एंड फ्रॉम मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, ये ऐसे डायरेक्शन में, ये वाइब्रेशन जहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये लेफ्ट टू राइट, ऐसे इस वाइब्रेशन में इस तरह से ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। जब ये ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, तो यहाँ पर ये डायफ्राम लगा हुआ है, देखिए ये डायफ्राम लगा हुआ है, ये डायफ्राम भी लेफ्ट राइट मूव करेगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या होगा, एक बार वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, एक बार वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो जब क्लोज और ऐसे ही, इसको बोलते हैं रेयरफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। इसी की वजह से, इस मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स की वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और वो साउंड वेव्स हमें फिर एम्पलीफाई, बिकॉज ये कोन शेप में डायफ्राम यूज़ करा है, एम्पलीफाई होकर आउटपुट में सुनाई देंगी। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, यहाँ से इस वायर के बीच में फ्रॉम द एम्पलीफायर हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब जिस कंडक्टर के अक्रॉस हमारा फ्लो कर रहा था, क्योंकि उस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो इसी कंडक्टर के अक्रॉस टू एंड फ्रो मूवमेंट शुरू हो जाती है, और वो डायफ्राम के साथ कनेक्टेड होती है, डायफ्राम मूव करता है, तो एयर पार्टिकल्स के अंदर एयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, एक बारी दबाव की स्थिति पैदा होगी, और एक बारी वो दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो इसकी वजह से साउंड, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो साउंड में कन्वर्ट होके आपको सुनाई देगा। अब ये पढ़ लेते हैं जो हमने लिखा है, जिससे आपको ये कंप्लीटली समझ आ जाए। इट कंसिस्ट ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट एंड अ मूविंग कॉइल प्लेस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया, इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट यूज करिए, एक मूविंग कॉइल यूज करिए, जिस मूविंग कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अ मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड विद अ डायफ्राम, और मूविंग कॉइल को किससे कनेक्ट करा, डायफ्राम से, विच हैज़ अ शेप ऑफ अ कोन, जिसकी शेप कैसी है, कोन जैसी, और वो ये मूवेबल है, एंड इज मूवेबल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। विच सेज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एग्जर्ट्स अ फोर्स। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो वहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस होती है। अगला पॉइंट, हेयर द करंट कैरिंग कंडक्टर इज वॉइस कॉइल, यहाँ पे जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो है वॉइस कॉइल, विच स्टार्ट मूविंग वेन प्लेस्ड इन बिटवीन द ई शेप परमानेंट मैग्नेट। आगे सबको समझ, जब उस वॉइस कॉइल को कहाँ रखा गया, परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा गया, तो वो मूव करना शुरू हो गया। हेयर द, अब इसको दोबारा पढ़ो, हेयर द करंट कैरिंग कंडक्टर इज वॉइस कॉइल विच एग्जर्ट मूव विच स्टार्ट मूविंग वेन प्लेस्ड इन बिटवीन द ई शेप्ड परमानेंट मैग्नेट। वॉइस कॉइल इज अटैच टू द कोन शेप्ड डायफ्राम। अब हमने बताया कि वॉइस कॉइल को हमने किससे अटैच करा, कोन शेप्ड डायफ्राम से कनेक्ट करा। सो एज द वॉइस कॉइल मूव, जैसे जैसे वॉइस कॉइल मूव करेगी, डायफ्राम मूव करेगा, और डायफ्राम मूव करेगा, इसकी वजह से कॉजेज कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, इसकी वजह से एयर पार्टिकल्स के अंदर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होएगा, दस इलेक्ट्रिकल करंट इज कन्वर्टेड इन टू साउंड वेव्स। इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साउंड वेव्स में। तो ये हमारा ख़त्म हो गया टॉपिक। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए मैंने नेक्स्ट उसमें। इट इज़ इन कॉम्पैक्ट इन साइज, बहुत ही छोटा होता है साइज में। इट हैज़ लेस कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कम होती है। सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, बहुत अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंजेस में भी उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है।
और डिसएडवांटेज क्या है, इट गिव्स लो आउटपुट, इतनी ज़्यादा बहुत, जैसे लव वो था ना हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर, उसकी उसकी मैंने बताया था उसको बहुत ज़्यादा लाउड साउंड हमें वहाँ से मिलती है, उतनी लाउड साउंड इसकी नहीं आती है। इट हैज़ इरेगुलर रिस्पॉन्स एट हाई फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी इस पर थोड़ा सा इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, इसीलिए ये इसकी दो डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क। तो थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क का क्या मतलब है, देखो बच्चों, जो हमारी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है जो हमें सुनाई देती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। अब 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इतनी वाइड रेंज है कि आप किसी एक स्पीकर के बस की बात नहीं है कि उतनी फ्रिक्वेंसी रेंज पे हमें प्रॉपर सफी हमें सेटिस्फैक्ट्री साउंड दे पाए। तो हमने क्या करा, उसी सेम फ्रिक्वेंसी रेंज को तीन अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड कर दिया कि हमने क्या करा, हमने कुछ लो फ्रिक्वेंसीज, कुछ स्पीकर्स ऐसे बनाए जो लो फ्रिक्वेंसीज पे अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसे जो मीडियम फ्रिक्वेंसी पे है और कुछ ऐसे जो हाई फ्रिक्वेंसी पे। तो तीन अलग अलग रेंज में हमने इसको डिवाइड कर दिया और इन्हीं तीन अलग अलग रेंज के हिसाब से तीन अलग अलग तरह के स्पीकर्स डिज़ाइन करे गए। तो इसी को बोलते हैं थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क। अब इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ो इसको। एज वी नो द ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। जैसे कि हमें पता है कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स है, एंड मोस्ट ऑफ द लाउड स्पीकर्स आर इनकैपेबल ऑफ कवरिंग द एंटायर रेंज। और मोस्टली जो लाउड स्पीकर्स हैं वो कैपेबल नहीं होते हैं इस पूरी रेंज को कवर करने के लिए। सो वी असाइन डिफरेंट स्पीकर फॉर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज। इसलिए हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं अलग अलग स्पीकर्स को अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए। और हमने तीन अलग अलग बैंड डिज़ाइन करें इसके लिए, लो, मीडियम और हाई, और इसीलिए इसको बोलते हैं थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क। अब नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क का। ये देखिए, ये डायग्राम है थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क में। हमने क्या करा, तीन स्पीकर लगाए, एक ये सबसे नीचे लो पास फिल्टर लिखा है ना जो सबसे नीचे, और एक यहाँ पे बीच में बैंड पास फिल्टर इसको बोला, और यहाँ पे हाई पास फिल्टर। तो हमारे एम्पलीफायर से सबसे पहले साउंड आया, और जो हमने फिर एक जैसे सबसे पहले ऊपर कैपेसिटर लगाया, तो ये हाई पास फिल्टर में एक कैपेसिटर लगा रखा है। तो कैपेसिटर का क्या एक क्वालिटी होती है कि वो हाई फ्रिक्वेंसीज पे बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इम्पीडेंस ऑफर करता है, लगभग वो शॉर्ट सर्किट की तरह ही बिहेव करता है। तो हमने यहाँ ये कैपेसिटर लगा दिया कि जितनी भी हाई फ्रिक्वेंसीज होंगी उनके लिए एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और सारी की सारी आपकी स्पीकर में चली जाएंगी। तो ये एक हाई पास फिल्टर, मतलब जो हाई फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करेगा उसको बोलते हैं हाई पास फिल्टर, और वो किस में चला गया, लाउड स्पीकर में। तो इस पूरे सेक्शन को जो हाई फ्रिक्वेंसीज को पास कर रहा है और हाई फ्रिक्वेंसी को ये ऑडिबल कर रहा है, उनको उस सेक्शन को बोलेंगे ट्वीटर। उसको क्या नाम देंगे, ट्वीटर, जो हाई फ्रिक्वेंसीज को विच आर डिज़ाइन टू प्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी ऑडियो सिग्नल्स, उनको बोलते हैं ट्वीटर। फिर हमने एक बनाया लो, अब नीचे वाले पे चलते हैं, लो फ्रिक्वेंसी रेंज। लो फ्रिक्वेंसी के लिए हमने क्या करा, एक वूफर बोलते हैं इसको, WOOFER, वूफर, इसको बोलते हैं लो पास फिल्टर। अब इंडक्टर, ये देखो यहाँ एक इंडक्टर लगा रखा है, वही सेम सिग्नल जो हमारा आ रहा था इनपुट का एम्पलीफायर से, उसी को ही हमने इस इंडक्टर में दिया है। इंडक्टर का जो होता है ना वो अपोज करता है चेंज, किसी भी चेंज को। तो अगर हमारी लो फ्रिक्वेंसी है तो वो बहुत ही कम उसके अंदर वेरिएशन हो रही है, तो मतलब इट इज़ लाइक डीसी। तो इट इज़ आ इंडक्टर जो होता है इट बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट फॉर लो फ्रिक्वेंसी। तो वो लो फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा और वही लो फ्रिक्वेंसीज आपकी लाउड स्पीकर में जाएंगी, इसलिए इसको बोलते हैं लो पास फिल्टर। और इस पूरे सेक्शन को क्या बोलेंगे, वूफर, जो लो फ्रिक्वेंसीज को के लिए डिज़ाइन करा गया उसको बोलते हैं वूफर, जो हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए डिज़ाइन करा गया उसको बोलते हैं ट्वीटर, और जो बीच की मिड फ्रिक्वेंसीज के लिए बनाया गया उसको बोलते हैं स्क्वैकर, SQUAWKER। और इसका दूसरा नाम, जैसे इसमें हमें यूज़ क्या करना होगा, बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर मतलब जो एक बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को पास करे, ना लो ना हाई,
उसके लिए हमने एक कैपेसिटर यूज़ करा और एक इंडक्टर, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करा है। अब इनका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखो, जो आपका ट्वीटर था उस ट्वीटर के लिए क्या हो? देखो जो हाई वाली फ्रिक्वेंसीज है वो पास हो रही है, ये नीचे फ्रिक्वेंसी है और यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पे वाई एक्सिस इज फॉर आउटपुट। उसके बाद जो मीडियम मिड रेंज फ्रिक्वेंसी स्क्वेकर था उसके अंदर मिड फ्रिक्वेंसीज पास हो रही है, बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज को ये रिजेक्ट कर देता है। और जो लो पास फिल्टर है वूफर, वो क्या करेगा? सिर्फ लो फ्रिक्वेंसीज के लिए आउटपुट देगा, बाकी के लिए आउटपुट नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं, ये तीनों का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है। इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं एक बार। ट्वीटर से ऊपर चलते हैं, ऊपर जाना। ट्वीटर ट्वीटर इट इज स्पेशल टाइप ऑफ लाउड स्पीकर दैट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस हाई एंड ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज, टिपिकली फ्रॉम 2 किलोहर्ट्ज़ टू 20 किलोहर्ट्ज़। जो 2 किलोहर्ट्ज़ लेके 20 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसीज के लिए डिजाइन करा गया है उसको बोलते हैं ट्वीटर, और उनका दूसरा नाम है हाई फ्रिक्वेंसी लाउड स्पीकर्स। फिर वूफर पे आ जाओ, इट इज अ टाइप ऑफ स्पीकर दैट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स, टिपिकली फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज। जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स के लिए डिजाइन करे गए हैं उनको बोलते हैं वूफर, और उसकी उसका दूसरा नाम है लो फ्रिक्वेंसी लाउड स्पीकर, और उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी है? 50 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज। हर्ट्स आप लोगों को पता होगा, फ्रिक्वेंसी के लिए जो यूनिट यूज करी जाती है उसको हर्ट्स बोलते हैं। और जो तीसरा है स्क्वैकर, दिस इज अ टाइप ऑफ स्पीकर इज डिजाइन टू ड्राइव फ्रिक्वेंसीज ऑफ मिडल रेंज दैट इज बिटवीन, बीच की रेंज के लिए जिनको डिजाइन करा गया, 250 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसीज के लिए जो डिजाइन करा गया वो है हमारे स्क्वैकर, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिड रेंज स्पीकर। तो ये था हमारा ट्वीटर। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आएंगी बेटे, इनको अच्छे से याद कर लेना। और अगला टॉपिक है हमारा सीसीडी, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चार्ज कपल डिवाइसेस। तो चार्ज कपल डिवाइसेस में क्या होते हैं? चार्ज कपल डिवाइसेस हमने इसमें क्या करा, जैसे कि कैमरा एक, कैमरे में क्या करते हैं? कैमरे में हम बेसिकली काम होता है कैमरे का वीडियो को कैप्चर करना। अब इसको वीडियो को कैप्चर कैसे करेगा, ये क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पे कैपेसिटर्स लगा दिए, और वो कैपेसिटर्स के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो वो कैपेसिटर्स उतना जितने भी लाइट फॉल करी, जितने भी लाइट फोटोन्स उस कैपेसिटर के ऊपर फॉल करे उसी हिसाब से चार्ज को उसने कैपेसिटर ने प्रोड्यूस करा। सिंपल कंसेप्ट है, इसलिए बोला चार्ज कपल्ड डिवाइसेस। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड इन एरे फॉर्म, वन बाय वन, और हर एक जो भी हमारा कैपेसिटर है उसको हमने क्या नाम दिया, एक पिक्सल पे जितने भी लाइट फॉल करेगी उसके अकॉर्डिंग उसके चार्ज वाला पड़ेगा। इन द सेम वे दूसरे पिक्सल पे जो भी लाइट फॉल करेगी उस हिसाब से उसका चार्ज डेवलप होएगा, और हर एक पिक्सल पे जो भी चार्ज डेवलप होएगा उसका फिर हम रिजल्ट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक उसका नंबर बनेगा, कोड जो बनेगा उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको फिर आगे सेंड कर देंगे। तो दिस इज योर सीसीडी कैमरा, इसको पढ़ते हैं। इट इज सेंसर फॉर रिकॉर्डिंग इमेजेस इन डिजिटल कैमरा, क्या करेगा वो एक सेंसर की तरह काम करता है। वो सेंसर क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा इमेजेस को डिजिटल कैमरा के लिए। तो इट कंसिस्ट ऑफ एन इन, अब ये जो कैपेसिटर्स मैंने आपको बताए हैं वो कैपेसिटर नॉर्मल कैपेसिटर नहीं है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आपने देखे होंगे नॉर्मली, तो ये वैसे कैपेसिटर नहीं है। ये है आईसी फैब्रिकेशन से की टेक्निक से जो कैपेसिटर्स हम बनाते हैं वो वाले कैपेसिटर्स हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ, इसको पढ़ो, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट, एक आईसी फैब्रिकेशन इंटीग्रेटेड सर्किट मेथड से जो कैपेसिटर बनाए गए, कंटेनिंग एन एरे ऑफ कैपेसिटर्स, बहुत सारे कैपेसिटर्स को लाइन में लगाया गया, एक्टिंग एज अ मैनी स्मॉल पिक्सल्स, एज स्मॉल पिक्सल्स, हर एक कैपेसिटर एक पिक्सल की तरह बिहेव करेगा। लाइट फॉलिंग ऑन अ पिक्सल इज कन्वर्टेड इनटू अ चार्ज पल्स, जो भी पिक्सल के ऊपर लाइट फॉल करेगी वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एक पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी।
विच इज देन मेजर्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर. बाद में उसी पल्स को फिर हम मेजर करते हैं और उसका एक कोड वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं. इन अ सीसीडी इमेज सेंसर पिक्सल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पी डॉप्ड MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कैपेसिटर. ये क्या मतलब हुआ कि मेटल ऑक्साइड MOS आपने पढ़ा होगा MOS टेक्निक के बारे में, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कैपेसिटर. उसको हमने जब पी टाइप डोपिंग करी तब जाके वो बने आपके वो वाले कैपेसिटर. और दीज मोस्ट कैपेसिटर्स आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीसीडी. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब इन्हीं से ही हमारा सीसीडी बनता है. दे अलाउ इनकमिंग फोटोन्स. जो भी फोटोन्स लाइट फोटोन्स इनकमिंग मतलब उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, दे अलाउ इनकमिंग फोटोन्स कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रॉन चार्जेस. जितने भी आपके फोटोन्स उस कैपेसिटर के ऊपर फॉल करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चार्जेस में एट द सेमी कंडक्टर ऑक्साइड इंटरफेस. द सी सी डी इज देन यूज टू रीड आउट दीज चार्जेस. बाद में इसको रीड बाद में यही चार्ज हम रीड करते हैं और उसी हिसाब से इमेज डेवलप करते हैं. द मोर लाइट फॉल्स ऑन द पिक्सल द मोर चार्ज विल अक्यूमुलेट इन द पिक्सल. जितनी ज़्यादा लाइट फॉल करेगी पिक्सल के ऊपर उतना ही हमारा चार्ज डेवलप होएगा. द मोर लाइट फॉल्स ऑन द पिक्सल द मोर चार्ज विल अक्यूमुलेट इन द एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होएगा इन द पिक्सल. अब इसके एडवांटेजेस देख लो. इंस्टेंट रिव्यू ऑफ, जैसे कि पहले क्या होता था हमने फोटो ले ली अच्छी नहीं आई अननेसेसरी डेवलप भी कराई. अब साथ के साथ हमने पिक्चर ली साथ के साथ हम उसे देख सकते हैं कि वो पिक्चर में कुछ गलती तो नहीं है. अगर गलती है तो हम उसे दोबारा ले लें, अदरवाइज हम उसे अननेसेसरी डेवलप करा के वेस्ट ना करें. तो इंस्टेंट रिव्यू ऑफ पिक्चर विच विद नो वेट फॉर द फिल्म टू बी डेवलप. हमें फिल्म डेवलप करने के लिए वेट नहीं करना, उसको फटाफट हम उसको देख सकते हैं अच्छी आई है कि नहीं आई है. इमेजेस कैन बी कॉपीड फ्रॉम वन मीडिया टू अदर विदाउट एनी डिग्रेडेशन. एक मीडिया से दूसरे मीडिया में हमें इमेजेस को ट्रांसफ़र करना है तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है ऐसा कुछ नहीं है, सेम क्वालिटी पर हम उसको आगे सेंड कर सकते हैं. दे हैव एबिलिटी टू कैप्चर एंड स्टोर हंड्रेड ऑफ पिक्चर्स ऑन द सेम मीडिया. एक ही मीडिया पे 100 से ज़्यादा पिक्चर्स हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं. अब इसकी एप्लीकेशन इसको यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल कैमरे में यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल सेंसर्स में एंड वीडियो कैमरेज में. अच्छा ये देखो ऐसा होता है. सबसे पहले इन्होंने क्या करा, एक सिलिकन की लेयर ली, पी टाइप सिलिकन. सबसे नीचे आपको दिख रहा है पी टाइप सिलिकन, उसके ऊपर एक एन चैनल की डॉपिंग करी उन्होंने. उसके ऊपर एक सिलिकन डाइऑक्साइड की लेयर, सिलिकन SiO2 की लेयर लगाई. ये वाली जो आपकी लेयर है सिलिकन डाइऑक्साइड की है. उस सिलिकन डाइऑक्साइड की लेयर के बाद उसके ऊपर एक पॉलीसिलिकन गेट तो होता है ये सारों में, तो गेट लगा दिया. अब इस गेट पे वोल्टेज दी +V. उसके बाद यहाँ से आपके साइडों में से हमने लाइट फॉल करवाई, लाइट फोटोन्स फॉल करवाए. जितने भी लाइट फोटोन्स फॉल होंगे उतने यहाँ पे देखो, यहाँ पे उतने ही फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट होंगे. इसको बोलते हैं फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स. उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमें जनरेट होके मिलेंगे और वही इलेक्ट्रॉन जितने हर एक उस पर मिलेंगे उन सारों को जब इकट्ठा करके उनको नंबर दे दिया जाएगा कि इस वाले पिक्सल पे इतना चार्ज आया तो इतना उसका वैल्यू है. और उसी हिसाब से जब इमेज प्रोड्यूस करी जाएगी दोबारा से उसको रिप्रोड्यूस इमेज को रिप्रोड्यूस करा जाएगा तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए सेम वही चार्ज यूज़ करा जाएगा, सेम वैल्यू. तो ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो आजकल यूज़ हो रही है, बहुत ही अच्छे से, बहुत हाई टेक टेक्निक है ये. तो ये बेटा ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है. हमने अपने सारे टॉपिक्स फर्स्ट चैप्टर के कर लिए हैं और अब आप लोग इनके फटाफट में आपको एक अच्छे से इसको गो थ्रू हो जाओ, सारी वीडियो को अच्छे से समझ लो, अपने डाउट्स मेट से पूछो करो बेटा. अगर नहीं पूछोगे तो फ़ायदा नहीं है मेरी इतनी मेहनत करने का. और इनकेस आपको लगे कि कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हैं. और इसके अलावा मैं आपको अभी एक असाइनमेंट दूंगी नेक्स्ट, तो एक दो मे भी शायद कल दे दूं.
और वो आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगी, उस ईमेल आईडी पे सब बच्चों को उस असाइनमेंट को सेंड करना है और उस असाइनमेंट के मुझे मैं मार्क्स लगाऊंगी। सो ऑन टाइम मेरे को वो असाइनमेंट सबके मिलने चाहिए, इसलिए इसको प्रॉपरली सिंसियरली पढ़ो और मेरे से डाउट्स पूछो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ, ठीक है? और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, हैव अ गुड डे।